देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है टू ब्लॉक्स ऑफ मास M1 1 kg एंड 2 kg। एक 1 kg का मास है और दूसरा 2 kg का मास है, ठीक है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से क्या है, सस्पेंडेड मतलब बंधा हुआ है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस अटैच टू सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट। ये जो स्प्रिंग है वो लिफ्ट से क्या है, अटैच है। सीलिंग ऑफ द लिफ्ट से क्या है, अटैच है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। जो लिफ्ट है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ कितने से जा रही है, जी बाई 10 से। तो ये बताइए अगर लिफ्ट जी बाई 10 से अटैच है, जी बाई 10 से ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से, तो उसके साथ ये भी जाएगा ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल सी बात है, ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ कितने से मूव करेगा, जी बाई 10 से, एक्सेलरेशन जी बाई 10 से, ठीक है। हमको डिटरमाइन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। हमको इसमें डिटरमाइन करना है ये जो स्प्रिंग है इसमें हमको क्या होगा बैलेंस, मतलब हमको इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि पहली तो एक बात ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये पूरी क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो ऑल पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ऑल पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये बताइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसी का बना लेते हैं। तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लाइक दिस वन, देखिए ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है ये आप ऐसे ऐसे दिखा रिनोट कर सकते हो। इसमें मान लो टेंशन कितना है, T1। इसको टेंशन T1 मान सकते हैं या फोर्स मान लो F। कितना फोर्स मान सकते हैं, F के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसको फोर्स कितना मान सकते हैं, F के करस्पॉन्डिंग। इसमें फोर्स कितना लग रहा है, F, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जब ये नीचे तरफ पुश करेगा, नहीं क्योंकि ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है। तो ये बताइए अगर पूरी स्ट्रिंग, ये पूरी जो स्ट्रिंग है इस पे टेंशन टी, इधर टेंशन टी, क्लियर। अब ये बताइए पूरा सिस्टम ये वाला, सिर्फ अभी पुल्ली की बात कर रहे हैं, ये जो पुल्ली है ये कितने से ऊपर जा रही है, ए दिस इक्वल टू जी बाई 10 से। तो अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स है, जो स्प्रिंग को जो स्प्रिंग पे जो इसको टेंशन है एफ, ठीक है, ये F किससे ज़्यादा होगा, नीचे वाले फोर्स से, नीचे वाले T1, ऐसे कहोगे ना, F माइनस 2T दिस इक्वल टू, इस पुल्ली का मास कितना है, जीरो। अगर नहीं दिया है तो इस पुल्ली का मास कितना लेके चलेंगे, जीरो, ठीक है। तो जीरो इंटू एक्सेलरेशन कितना है, A, और A की वैल्यू क्या है, G/10। तो आपको फोर्स कितना मिल गया स्प्रिंग पे, 2T के बराबर। मतलब बेसिकली ये जो स्प्रिंग जो होगा, स्प्रिंग पे जो फोर्स जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, 2T के। तो अगर हम किसी तरीके से टी डिटरमाइन कर लें और उसमें फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये वही हो जाएगी रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, क्लियर है कि नहीं। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, क्लियर हो गया कि हमको टी को डिटरमाइन करना है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, इसको बना लो, फिर इसके बाद हम इसको मिटाते हैं क्योंकि हमको डिस्कशन इन दोनों का करस्पॉन्डिंग करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इसको राइट नाउ कर लो या फिर इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम बनाते हैं इन दोनों का अलग अलग सा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चलो इसको हटा देते हैं। अब आते हैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम के करस्पॉन्डिंग, एक बार इनका बनाएंगे एक बार इनका। अब ये बताओ जब आप M1 ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये M1 है, इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो किधर कितनी है, mg डाउनवर्ड। आंख बंद करके इतना तो सभी लोग कर सकते थे सर, टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा, टेंशन पूरे स्ट्रिंग में क्या होगा, सेम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसी वजह से एफ की वैल्यू 2T आई है। चलो ऊपर टेंशन नीचे M1g। अब ये बताइए ये पूरा सिस्टम कितने से ऊपर जा रहा है, ए से, ठीक है। अब ये बताइए अगर आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, अगर आप कहां पे बैठे हो, पुली पे बैठे हो, तो जब पुली पे आप बैठे हो तो आपको क्या नजर आएगा, ये पूरा सिस्टम कितने से नजर आएगा, ये पूरा होल सिस्टम आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, कितने से, ये पूरा होल सिस्टम कितने से नीचे नजर, मान लो ये AR पुली पे आप बैठ के देख रहे हो किसको, इस सिस्टम को M1 और M2 को, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। जो AR हुआ वो कौन सा एक्सेलरेशन हुआ,
जो ए आर होगा दैट इज रिलेटिव ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो ए आर को बोलोगे क्या, व्हाट अबाउट ए आर, रिलेटिव ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है, ये हमने क्या बोला, ये जो ए आर है अगर आप यहां पे सिट बैठ के देखोगे तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली। पुली पे बैठे हो तो किसके रिस्पेक्ट में है, पुली के रिस्पेक्ट में, किसका, ब्लॉक का ऑसिलेशन, और ये कितना है ए आर। क्लियर, अब ये बताइए अगर इस ब्लॉक को आप देखोगे, अगर आप यहां पे बैठ के देख रहे हो, ठीक है, ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, अगर ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो ये कौन सा हो गया, इनर्शियल फ्रेम। क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम। किसको देख रहे हो, इसको, ये बताइए इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ, इसका मोशन किधर है, बोलो, ये किधर की जा रहा है, जो ए है ये तो ऊपर की तरफ है, और ये भी ए आर भी किधर है, ऊपर की तरफ, बोलो, जो इस ब्लॉक की बात करें, इस पूरे सिस्टम की छोड़ो, सिर्फ इसको इसको पकड़ के रखो, तो आपको क्या नजर आएगा कि ये और ऊपर से जा रहा है, नहीं, इसको कोई जैसे किसी को हम खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे खींच रहे हैं, पहले बताओ अगर यहां पे बैठ के देखोगे तो ये ऊपर न जाएगा और ये नीचे की तरफ, और यहां से बैठ के देखेंगे तो भी ये ऊपर की तरफ जाता नजर आएगा। क्लियर है, ये ऊपर की तरफ जाता क्यों, क्योंकि ये हैवी मास है, ये क्या है, लो मास है, ये 2 kg का, ये 1 kg का, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे नजर आएगा, और साथ साथ लिफ्ट इसको ऊपर की तरफ ले जा रही है, मतलब पूरा होल सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ये और तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, मतलब टोटल ऑसिलेशन ऊपर की तरफ कितना हो गया, बोलो, ए प्लस ए आर। जो ये बंदा इसको ये जो देखेगा इसको, तो इसे लगेगा कि ये पूरा इतने से जा रहा है ऊपर की तरफ, नहीं, तो अगर मुझे क्या लिखना हो, इक्वेशन लिखनी हो, तो ये बताइए कौन हैवी है, टी, कौन ऊपर ले जा रहा होगा, टी ले जा रहा होगा, टी माइनस, ऐसे लिखोगे टी माइनस एम वन जी दिस इक्वल टू मास एम वन इंटू ए प्लस ए आर। ठीक है, ए प्लस ए आर, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये तो हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, ये जो है कितने जाएगा, हमको लगेगा कि अरे बहुत तेज भाग रहा है, अगर ये अगर ऊपर नहीं जाता तो आपको लगता है, ऐसे बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा ये सिर्फ कितने से आ रहा है, ए आर से। ये अगर आप यहां पे बैठे हो तो आपको दिखेगा कि ये कितने जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, लेकिन जब पूरा होल सिस्टम भी ऊपर जा रहा है तो आपको ए आर प्लस ए से नजर आएगा, मतलब दो नहीं, यहां पे जो बंदा है उसको लगेगा कि ये तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, मतलब ए प्लस ए आर से जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये बताइए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो वैल्यू पुट करके, ठीक है, या इसको टी माइनस एम वन जी कितना है, 1 kg, तो 1 × g की वैल्यू 10 है, तो 10 दिस इक्वल टू 1 × g की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमें पता है, ए की वैल्यू, हाँ, जी बाई 10, और जी की वैल्यू 10, तो 10/10 कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये ए आर। तो बेसिकली ये हो गया टी माइनस 10 दिस इक्वल टू 1 प्लस ए आर। तो टी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ए आर प्लस 11, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस ब्लॉक के लिए। तो जब इस ब्लॉक की बात करेंगे, तो इसको भूल जाओ, अब हम बनाएंगे फ्री वाइट डायग्राम किसका, दूसरे वाले ब्लॉक का। चलिए दूसरे वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं, M2 किधर है, डाउनवर्ड, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा M2G। टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां पे जो बंदा बैठा है उसको क्या नजर आ रहा है, AR से नीचे की तरफ, और ये पूरा होल सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, A से, नहीं,
पूरा होल सिस्टम कितने जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, और यहां पे जो बंदा बैठा है उसको लग रहा है कि ए आर से नीचे जा रहा है, लेकिन जो बंदा यहां पे बैठा है उसको क्या नजर आएगा, उसको दो, वो दो तरीके से इसको देख सकता है। एक, अगर इसको स्ट्रांग मानेगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, नहीं, अगर उसने सपोज किया कि ये स्ट्रांगर है तो ए माइनस ए आर, और अगर उसने कहा कि नहीं मैं इसको स्ट्रांगर मानता हूं तो इसमें से इसको क्या कर देगा, माइनस। आप दो तरीके से इसको मेजर कर सकते हो ना, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, तो अगर हम उल्टा भी मान लेंगे तो सॉल्व करने पता चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो अगर हम माने एम टू जी स्ट्रांगर है, अगर एम टू जी क्या है, स्ट्रांगर है, तो इसका मतलब इसको सपोर्ट करने वाला कौन है, ए आर, तो नेट एसिलेशन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, ए आर माइनस, बोलो ए, नीचे की तरफ नेट एसिलेशन कितना हो जाएगा, ए आर माइनस ए, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एसिलेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एसिलेशन। अगर आपने इसको स्ट्रांगर माना है तो क्या लिखोगे, इसको आप मानोगे ऐसे लिखोगे एम टू जी माइनस टी दिस इक्वल टू नेट एसिलेशन किधर है, डाउनवर्ड, तो क्या लिखोगे, मास इंटू ये कितना है एम टू, तो एम टू इंटू ए आर माइनस ए। अब ये बताइए यहां से एम टू की वैल्यू कितनी है, टू, तो टू इंटू जी कितना है, टेन, तो ट्वेंटी न्यूटन, माइनस टी, एम टू कितना है, टू, ए आर की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट ए आर, नहीं पता, ए की वैल्यू कितनी है, जी बाई टेन, जी की वैल्यू टेन, तो टेन बाई टेन वन हो गया, तो ट्वेंटी माइनस टी दिस इक्वल टू टू इंटू ए आर माइनस टू, तो ये मिलेगा आपको। यहां से आप क्या करो, ए आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमको टी चाहिए ना, तो ये ट्वेंटी माइनस टी दिस इक्वल टू, अगर मुझे ए आर चाहिए तो यहां से क्या लिखोगे, टी माइनस अलेवन, ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं टू टी माइनस ट्वेंटी टू, और ये हो जाएगा माइनस टू, और ये इधर चला जाएगा तो थ्री टी, ये हो जाएगा ट्वेंटी प्लस, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 44, तो 3t मतलब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44/3, तो हमको फोर्स f निकालना था, तो f की वैल्यू 2t मतलब ये हो जाएगा 2 × 44/3, ये हो जाएगा 88/3, 3 2 जा बोलो 6, फिर ये कितना है, फिर 3 × 2 = 6, 2 × 8 = 27, 27.33 क्या आएगा, न्यूटन, दिस इज द फाइनल आंसर, 3 9 जा ये 9 होगा ना जी, सॉरी, तो ये हो जाएगा 29.33 न्यूटन, ये 9 ये हो जाएगा 29 न्यूटन, ठीक है, 29.3 न्यूटन, क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो इसमें जो फोकस करना है बस यही कि जब आप इस पे फोकस करोगे, यहां पर बैठ के इसको देख रहे हो, तो आपने क्या देखा कि ये पूरा सिस्टम किधर की तरफ जा रहा है, ये टी ऊपर, पहले तो फ्री बाई डायग्राम बनाओगे, टी दिस बी टी ऊपर और एम टू जी नीचे की तरफ, जो भी दिख रहा है ए आर नीचे की तरफ, ए किधर दिख रहा है, ऊपर, अब आपकी मर्जी। किसी ने कहा नहीं सर मैं ए आर को स्ट्रांगर मानना चाहता हूं, अगर ए आर स्ट्रांगर होगा तो नेट एसिलेशन किधर आएगा, नीचे की तरफ, स्ट्रांगर का मतलब सपोर्ट करना, अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ए आर माइनस ए किधर आएगा, नीचे की तरफ। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उस समय जब सॉल्व करोगे तो अगर मान लो उल्टा आया तो इसका मतलब जो आपने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये मोशन, तो आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब ये नीचे दिख रहा है तो इसका मतलब कौन स्ट्रांगर होगा, एम टू जी किससे, टी से, दिस इक्वल टू क्या लिखो, मास इंटू एसिलेशन, इसका मास और ये एसिलेशन, बस यही है, अदरवाइज में कुछ है नहीं क्वेश्चन में।
तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 29.33 न्यूटन।